वेलकम टू TTI, साइंस फन और मशीन्स की बिल्कुल नई दुनिया में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी मिस ना करें। फाशन मिक्सर मशीन। फाशन मिक्सर मशीन एक नए अंदाज की देसी मशीन है जो आपके लिए चीजों को आपस में मिलाने का काम करती है। आमतौर पर इसे पाउडर को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसी मशीन को नमकीन्स को मिक्स करने के लिए भी काम में लाया जा रहा है। फाशन मिक्सर मशीन के साथ आप सेव, ड्राई फ्रूट्स, दालें, भुजिया, कॉर्नफ्लेक्स और भी कई प्रकार के फ्लेक्स वगैरह इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये मिक्सर मशीन पूरी तरह जंग ना लगने वाली स्टील से बनी हुई होती है और इसमें 50 केजी से 100 केजी तक के नमकीन्स को प्रोसेस किया जा सकता है, जो कि एक अच्छी खासी मात्रा है और काम के मामले में किसी प्रकार की कमी इस मशीन में नहीं दिखाई देती। इसके अलावा इस मिक्सर में 2 HP की 1.5 किलोवाट की मोटर भी है। तो ये जान लें कि आप फाशन मिक्सर मशीन को एक बार लेकर बिल्कुल संतुष्ट होकर अपना मिक्सिंग का काम कर सकते हैं। पोटैटो चिप्स मशीन। चिप्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा शौक से खाने वाली चीज है। एक तो ये सस्ते भी होते हैं और मजेदार भी, लेकिन लॉकडाउन में ये मिलना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि चिप्स कैसे बनाए जाते हैं, तो फिर आपको इनमें से कोई एक पोटैटो चिप्स मशीन जरूर लेनी पड़ेगी। इनमें पहली मशीन पोटैटो पीलर है, जो एक बहुत काम आने वाली मशीन है। आप इसमें 10 केजी तक की मात्रा में बिना छिले हुए आलू डाल सकते हैं। इसका इंजन 0.5 HP का है, जिस कारण ये 10 केजी आलुओं को केवल 3 मिनट में छिलकों से अलग करके निकाल देता है। इनकी एक दूसरी मशीन पोटैटो स्लाइसर है, जो प्रति घंटा 150 से 200 केजी तक की मात्रा में आलुओं की स्लाइसेस निकाल सकती है। इस मशीन का वजन थोड़ा ज्यादा है, तकरीबन 50 केजी, और इसमें 0.5 HP की मोटर लैस है। लास्ट में है ड्रायर। इसकी सहायता से आप फ्राई करने से पहले आलू के चिप्स को तेजी के साथ घुमाकर उनमें से नमी को बाहर निकाल देते हैं। नमकीन मशीन। मजेदार नमकीन आइटम्स बनाने के लिए नमकीन स्नैक मशीन को वो लोग जरूर लें जो इसका बिजनेस करते हैं। इसका नमकीन एक्सट्रूडर मॉडल बेसन की लोई को ज्यादा मात्रा में निकालने और तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इन मशीन्स का ज्यादा इस्तेमाल। निम्को जैसी खाने की चीजों की तैयारी में होता है, जैसे नमकीन, फारसन, भुनी दालें, चिप्स, बनाना चिप्स, कसावा, फ्रेंच फ्राइज, नमकीन स्नैक्स, चाट पापड़ी, पास्ता, नूडल्स और भी बहुत कुछ। इसके अलावा इसे केवल नारियल वगैरह का चूरा निकालने या और दूसरी चीजों की शेप और साइज में कटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चपाती मेकिंग मशीन। इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो दोनों देश रोज चपाती खाते हैं, और इसकी मांग को देखते हुए ही नीरा फूड मशीन ने बेहतरीन आविष्कार किया है। ये मशीन अच्छी क्वालिटी में टेस्टी चपातियां बनाती है, बल्कि ये मशीन आधी ऑटोमेटिक और पूरी ऑटोमेटिक चलने वाले मॉडल में भी आती है। नीरा फूड मशीन जंग ना लगने वाली स्टील से बनी हुई होती है और इसका वजन 95 kg है। पावर के लिए इसमें 1 HP वाली मोटर लगी होती है और प्रति घंटा ये 2 से 3 पावर यूनिट खर्च करती है, जबकि 1 घंटे में ये मशीन 800 से 1000 चपातियां तैयार करके निकाल देती है। नीरव जूसर मशीन। नीरव INC का एक और अमेजिंग आविष्कार नीरव जूसर मशीन है। ये घर और दुकान दोनों में इस्तेमाल होने वाला एक मजबूत जूसर है,
इस जूसर को इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको संतरों को आधे आधे टुकड़ों में काटना होता है। फिर इन टुकड़ों को एक एक करके जूसर के बीच मौजूद गोल घूमते हुए हिस्से पर लगाकर दबाना होता है, जिससे तेजी के साथ इससे जूस निकल जाता है। इसके बाद आप छिलके को फेंक कर यही प्रोसेस दूसरे संतरे और नींबू के साथ रिपीट करें। ये मशीन जंग ना लगने वाली स्टील की बनी हुई है। ओरायन फूड स्लाइस। ओरायन फूड स्लाइस को साउथ कोरिया की मशीनरी बनाने वाली कंपनी ओरायन ने बनाया है। ये आविष्कार अपने मशीनी कटर द्वारा हैम और मांस के टुकड़ों को इक्वल थिकनेस की स्लाइस बनाकर निकालता है। ओरायन के गिम्बैप कटर पर लाइसेंस भी लिया गया है। ये गिम्बैप को सफाई के साथ छोटे छोटे इक्वल स्लाइस की शेप में काट देता है। इस मशीन की बनावट में सुरक्षा और हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया है। आप ओरायन फूड स्लाइस को सुरक्षा और आसानी के कारण अपने पैरों से चला सकते हैं, और आगे पीछे करने के लिए इस मशीन में पहिए भी लगे होते हैं। एक समय में आप इसमें 5 से 6 गिम्बैप वाले रोल्स गुजार सकते हैं। रोबोट सर्विंग सिस्टम। सोचो अगर आपको रोबोट वेटर्स द्वारा फूड सर्व किया जाए तो आपके क्या कहने जनाब। इसी कल्पना को लेकर एक नया रोबोट सर्विंग सिस्टम विकसित किया गया है, जिसमें एक रोबोटिक कन्वेयर बेल्ट पर खाना परोसा जाता है। इस आविष्कार के आने के बाद दुनिया भर की फूड इंडस्ट्री को एक नया अंदाज मिल गया है, और कोरोना का भी खतरा नहीं होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोबोट हम इंसानों से ज्यादा तेज होते हैं, और थोड़ी सी मेंटेनेंस के साथ ये आराम से 3 गुना ज्यादा फुर्ती से काम कर सकते हैं। बल्कि आप इसी सिस्टम को अपने और वेटर्स के साथ मददगार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि खाना लाने ले जाने की दिक्कत खत्म हो और आप अपने बिजनेस पर फोकस कर सकें। Aquarius Bunch Wrapper 400S। लॉलीपॉप तो हर बच्चे का फेवरेट होता है। ये मीठे गोले सॉलिड कैंडी के बने होते हैं, जो एक स्टिक के ऊपर लगाए जाते हैं, और चाहे बच्चे हो या बड़े हो, ये सबके मनपसंद होते हैं। लॉलीपॉप हर प्रकार के साइज और फ्लेवर में मिल जाते हैं। ये मजेदार होने के अलावा अपनी खूबसूरत पैकेजिंग के लिए भी जाने जाते हैं। GEA Aquarius Bunch Wrapper 400S मशीन्स के साथ आप प्रति मिनट 400 लॉलीपॉप्स को पैक कर सकते हैं। ये मशीन आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है अगर आप भी लॉलीपॉप की प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस मशीन को एक्सपीरियंस वर्कर्स इस्तेमाल करें तो लॉलीपॉप की तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। बंच रैपर 400S आपको तेजी के साथ साथ लॉलीपॉप की तैयारी में बेहतरीन क्वालिटी भी देती है। मतलब साफ है, 600 से 800 प्रति मिनट के हिसाब से लॉलीपॉप पैक हो सकते हैं, और ये पैकेजिंग लॉलीपॉप के ऊपर 18 mm से 35 mm चौड़े सेलोफेन या पॉलीप्रोपिलीन की होती है। तो दोस्तों, आपको 8 फूड इंडस्ट्री मशीन्स की लिस्ट में से कौन सी मशीन जबरदस्त लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो जाएं। फिर मिलते हैं, टेक केयर।